वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमजी मनीष गुरु। अभी जस्ट सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, एसएससी सीएचएसएल 2020 के 13 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम समाप्त हुए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसा गया इनका एग्ज़ाम। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा ही गया। करेंट अफेयर्स जो उम्मीद लगाए हुए थे कि करेंट अफेयर पूछेगा, करेंट अफेयर तो उसने इस लेवल पर पूछे ही नहीं किया है। करेंट अफेयर 2019-2018 का करेंट अफेयर पूछ रहा है। अच्छा, 2018-2019 का पूछ रहा है, 2020 का इस टाइप का 2020 का एक क्वेश्चन भी नहीं आया करेंट अफेयर का। अच्छा, और आपका मैथ्स कैसा गया? मैथ्स कैसा अच्छा गया। टोटल कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं? मैंने 89 अटेम्प्ट किए हैं ना। जीके का लेवल कैसा था? जीके का लेवल कुछ हल्का था। हाँ, कुछ हल्का था। किस टाइप के क्वेश्चंस कुछ जीके में एक दो याद है? एक वो तो क्वेश्चन क्या तो था या तो अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए थे? यस सर, ट्रिग्नोमेट्री से आए थे, ज्योमेट्री से भी आए थे, सर्कल से भी आए थे। अच्छा, एडवांस मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे? एडवांस मैथ का क्वेश्चन था, इसमें एडवांस मैथ का क्वेश्चन था। एक तो क्वेश्चन बहुत ईजी था जीके में, याद नहीं आ रहा, बहुत हल्का था वो, तो देखते के साथ लग गया था, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम बढ़िया गया, क्वेश्चन बढ़िया था। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं? हम तो एक्चुअली 84 अटैम्प्ट किए हैं। अच्छा, 84 अटैम्प्ट किए हैं। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था, ना ईजी था ना भास्ट था, थोड़ा सा जीके जीएस भी अच्छा ही था और कुछ क्वेश्चन करेंट से कम था, क्योंकि करेंट 19 का भी पूछ दिया गया था और एक दो तो बहुत पुराना भी पूछ दिया गया था। अच्छा, मतलब करेंट 2020 का नहीं पूछा गया था, सब 18-19 का पूछा गया था। करेंट 20 का नहीं पूछा है, करेंट 20 का नहीं पूछा गया। अच्छा, जीके का कुछ क्वेश्चन आपको याद है क्या? जैसे डायनासोर के बारे में पूछा गया था कि डायनासोर का फर्स्ट कंकाल जो मिला था वो कहाँ मिला था। उसके बाद पूछा गया था जो हमारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिला में किसको मिला है। अच्छा, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिला में 2020 वाला? नहीं, 2019 का। अच्छा, 2019 का पूछा गया था। अच्छा, मैथ्स में किस टाइप का लेवल था? मैथ बहुत इजी था, मैथ भी काफ़ी इजी था, थोड़ा कैलकुलेशन था। और इंग्लिश का? इंग्लिश मॉडरेट था, इंग्लिश बढ़िया था, उसका पैसा भी, क्लोज टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया था। अच्छा, क्लोज टेस्ट आया हुआ था। और कैसा गया आपका एग्ज़ाम? काफ़ी ठीक ठाक था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 80। अच्छा, 80 क्वेश्चन बनाए हैं। अच्छा, पेपर का लेवल कैसा था? लेवल ठीक ठाक था, ना ही ईजी था ना ही ज़्यादा टफ भी था। अच्छा, मतलब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस थे। अच्छा, और जीके में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, एक दो याद है? मैं क्वेश्चन है पूछ रहा है कि चोल वंश का, कोई चोल वंश रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी। और हाल ही में जो क्या बोलता है कि जो पुल का निर्माण हुआ था उसके बारे में कुछ पूछा गया था। अच्छा, जो हिमाचल प्रदेश में वहाँ से जो करंट अफेयर से क्वेश्चन था गया, अच्छा वो नहीं था। अच्छा, इंग्लिश का लेवल कैसा था? इंग्लिश था वो ठीक था, इजी था, इंग्लिश इजी था। और मैथ्स में से, एडवांस मैथ्स से क्वेश्चन? हाँ, एडवांस मैथ ज्योमेट्री से पूछा गया था, अलजेब्रा से पूछा गया, ट्रिगो से एक क्वेश्चन पूछा गया था और ज्योमेट्री से 3-4 क्वेश्चन था। अच्छा, ज्योमेट्री से 3-4 क्वेश्चन था और अलजेब्रा से भी 3-4 क्वेश्चन? हाँ, अलजेब्रा से भी 3-4 क्वेश्चन था। लगभग पेपर का लेवल मॉडरेट था। अच्छा, आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।